क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में कारपोरेट प्लानिंग के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बताऊंगी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। कारपोरेट प्लानिंग में आया था दो टॉपिक आया था इम्पोर्टेंट, एक बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड दूसरा था स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी के बारे में हम जानेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होता है और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कैसे होता है। स्ट्रेटजी वर्ड सब लोगों ने सुना होगा कि पहले के समय में युद्ध में ये वर्ड यूज किया जाता था कि अगर जो हमारा विरोधी पार्टी है अगर वो बहुत ज्यादा हमसे एक्टिव है तो हम उसको हराने के लिए क्या करें, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह की व्यूह रचना बनाएं कि हम उसे जीत जाएं। तो सेम ये वर्ड आजकल बिजनेस में यूज होता है, व्यवसाय में यूज किया जाता है इस वर्ड को, इसलिए कि इस कटथ्रोट कंपटीशन में, इस गलाघाट प्रतियोगिता में प्रतियोगियों अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको हराने के लिए क्या करना है, हमको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना है। तो वो कैसे करते हैं और ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता क्या है, होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि अपने प्रतियोगियों को व्यवसाय बिजनेस में अपने प्रतियोगियों को हराने के लिए या उनको मात देने के लिए जो भी हम योजना बनाते हैं, जिस भी तरह की हम प्लानिंग करते हैं उसी को कहते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ऐसा कह सकते हैं यदि कोई संस्था या बाजार अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए अगर मूल्य में कमी कर रही है, अगर कोई संस्था है या कोई मार्केट है जो क्या कर रहा है, सॉरी कोई संस्था है, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है अपने अपने इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए या अपना आधिपत्य बनाने के लिए बाजार पर मार्केट पर वो क्या कर रहा है, मूल्य में कमी कर रहा है। तो मूल्यों में कमी करेगा तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर उसके यहाँ जाएंगे, उस बिजनेस को सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरी संस्था है वो क्या करे कि उससे आगे जाए या उसके बराबर जाए, हमेशा हम एक दूसरे से आगे होना चाहते हैं, तो दूसरी संस्था क्या करे कि उससे आगे जाए, तो दूसरी संस्था इस बात को ध्यान में रखकर क्या करेगी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेगी। आइए देखते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूजेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिफाइंड गोल। इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो एक प्रक्रिया है, सिर्फ स्ट्रेटजी तो रणनीति है लेकिन स्ट्रेटजी फॉर्मूले उस स्ट्रेटजी को बनाते कैसे हैं ये हम जानना है इस डेफिनेशन में कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज ए प्रोसेस। पहला वर्ड हम देखेंगे प्रोसेस, यह क्या है, प्रक्रिया है बाय विच जिसके द्वारा हम क्या करते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, चूज करता है मोस्ट यानी जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे उपयुक्त गतिविधि जिसके द्वारा हम क्या कर सके गोल को प्राप्त कर सके। जो डिफाइन किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल डिफाइन किया गया है, सबसे पहले हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने के पहले उसका एक गोल डिफाइन करते हैं कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो मेरा ये गोल है, मेरा गोल है कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना, सेल्स ज्यादा कमाना, कस्टमर ज्यादा जोड़ना या शेयर ज्यादा बढ़ाना। तो इस तरह से उसका कोई गोल होगा संस्था का, तो उस गोल को पूरा करना। अब हम इसका डेफिनेशन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था या एक व्यवसाय क्या करता है मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, एक उपयुक्त गतिविधि का चुनाव करता है किसके लिए, अचीव डिफाइंड गोल, संस्था की में परिभाषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करता है। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का। इस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना होगा वो हम देखेंगे कि इट कंपोज ऑफ मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। क्या क्या है, मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे कि मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी कौन से है, पॉलिसीज क्या है, इनके अंदर रहकर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। सबसे पहले ये इसके बारे में जाना कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया जाता है लेकिन लागू किया जाता है इसको मिडिल और लो लेवल द्वारा, लागू किया जाता है मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट द्वारा, बट इसको बनाता कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जितने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होते हैं उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है।
तो इसमें मिशन ऑब्जेक्टिव क्या स्ट्रेटजीज पॉलिसीज इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्यों होता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया जाता है और कब बनाया जाता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है। जब मार्केट में नए कंपटीटर आते हैं, नए कंपटीटर आएंगे तो वो क्या करेंगे, अगर कंपटीटर नहीं है वो आपके कंपटीटर बनना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपसे ज्यादा छूट देंगे, आपसे हो सकता है वो एम्प्लॉय को आप फ्री सैंपल नहीं दे रहे हैं, वो फ्री सैंपल दे रहे हैं, हो सकता है आप गिफ्ट नहीं दे रहे हैं कस्टमर को, वो गिफ्ट दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम मार्केट में आगे जाएं। तो आप उनसे आगे कैसे जाएंगे, आपको भी कुछ करना होगा उन बातों को ध्यान में रखकर। वो जो गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री सैंपल दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखकर आपको क्या करना होगा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बारे में। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक व्यूह रचना निर्माण और दूसरा एक्सटर्नल बाह्य व्यूह रचना निर्माण। आंतरिक व्यूह रचना निर्माण क्या होता है, आंतरिक व्यूह रचना निर्माण में संस्था के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है किसको लेकर, हो सकता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को लेकर या प्रमोशन को लेकर या डिमोशन को लेकर स्ट्रेटजी बनाई जा रही हो, या जो भी वहां की मशीनरीज है उनमें क्या किया जा रहा है, आधुनिकरण किया जा रहा है, उनमें आधुनिकरण किया जा रहा है और हो सकता है उसमें नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं उस संस्था में। तो इस तरह से अगर आप कुछ भी नया काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरनल या एक्सटर्नली तो क्या होगा, उसका विरोध होगा। तो उस विरोध को भी ध्यान में रखकर जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, आप जो चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए जो प्रॉब्लम आने वाली है उनको ध्यान में रखकर आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ज्यादा छूट दे रहा है तो उससे ज्यादा छूट दे दिए और क्या हुआ, हम अपना जितना कॉस्ट लगाए हैं, जितना हमारा कॉस्ट है उतना भी हमारा इनकम नहीं हो रहा है, ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इस तरह की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट नहीं करेंगे। स्ट्रेटजी इस तरह का होना चाहिए कि कंपटीटर को भी वो मार दे और दूसरी चीज की आपको भी कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इंटरनली भी, इंटरनल में जैसे डिमोशन प्रमोशन हो सकता है या इसको लेकर या नए यंत्र लगाए जा रहे हो, जो भी पुराने यंत्र है उनका आधुनिकरण किया जा रहा हो, जो ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी होती है, जो पुरानी तकनीकी होती है वो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं ले जा सकती क्योंकि आपको चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके कंपटीटर है, एक्सटर्नल में जो कंपटीटर है, जैसे जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स है, जो भी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या करें, उनको ध्यान में रखकर आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं काइंड ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, दो तरह के स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन किए जाते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन यानी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की विशेषताएं क्या है, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आप डेफिनेशन अच्छे से आपको पता है तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इसी में से निकल कर आते हैं। देखिए पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेटजी का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, और लागू किसके द्वारा किया जाता है, लो लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है कैसे, जो ये स्ट्रेटजी होता है लॉन्ग टर्म होता है और ब्रॉड होता है, ब्रॉड यानी व्यापक, अगर बहुत ब्रॉड है कोई भी चीज तो वो कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये ब्रॉड होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ये एकीकृत होता है और ये कोऑर्डिनेट एक प्लान है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये ब्रॉड कोऑर्डिनेट एंड मोनोपोलिस्टिक प्लान है, तो इसलिए हम इसको
कह सकते हैं कि जेटली फॉर्मुलेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल नेचर, ये क्या होता है, जो स्थिरता इसमें होती है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है, जो भी हम जेटली फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसको हम समय के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, ऐसी इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उसको हम समय के अकॉर्डिंग क्या कर सकते, उसी स्ट्रेटेजी को परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते, आवश्यकता के अनुसार या नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्फेसिस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज है और फिजिकल रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का एक विशेषता ये भी है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी सिर्फ बना देना ही एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, समय समय पर उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना, उसमें सुधार करना बहुत ही आवश्यक है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसमें क्या करना, सुधार करना बहुत ही जरूरी है। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज है वो हमको ये चेक करते या ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को ये चेक करते रहना होगा कि वो क्या करे, समय समय पर ये इसका चेक करे कि इन रिसोर्सेज का उचित प्रयोग या उपयुक्त प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले ही मैंने बताया कि ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है क्योंकि इसमें दूर के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है। स्ट्रेटजी बनाया जाता है फ्यूचर के बारे में कि हम अपने कॉम्पिटिटर को फ्यूचर में कैसे उनको बीट करें, तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग ये क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे देखने की प्रक्रिया है, न कि पीछे देखने की। कैसे ये आगे देखने की प्रक्रिया है, हमेशा इसकी आवश्यकता नई परिस्थितियों में होती है, जब भी कोई नई परिस्थिति आती है तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक से भी है फॉरवर्ड लुकिंग। ये रहे आपका, ये रहा आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बारे में, देखेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन यानी व्यू रचना निर्माण की प्रक्रिया, कैसे हम व्यू रचना निर्माण करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हम ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं एक स्ट्रेटजी के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो स्ट्रेटजी अच्छा होगा या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने में सहायक होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया को क्यों फॉलो करते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी किस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए के कई कर्मचारियों या प्रबंधकों के लिए वो क्या डेंजरस भी हो सकती है, कई कर्मचारियों के लिए डेंजरस भी हो सकती है स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर हम सिर्फ कंपटीटर को ध्यान में रखकर, कंपटीशन को ध्यान में रखकर अगर हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो सही नहीं हो सकता। इसमें सभी फैक्टर को ध्यान में रखेंगे, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है उनको ध्यान में रखकर उनका एनालिसिस करने के बाद ही हमको क्या बनाना होगा, स्ट्रेटजी बनाना होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इट्स इन्वॉल्व फोर इम्पोर्टेंट स्टेप विचार, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, कहीं आपको पांच मिलेगा कहीं छह मिलेगा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो देखते हैं हम, चार इम्पोर्टेंट और बहुत ईजी स्टेप है जिसको आप सेंटेंस से ही समझ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, पहला स्टेप है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करेंगे, क्योंकि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, सबसे पहले उसको उसका निर्धारण आवश्यक है या ये जानना आवश्यक है कि हमको हमारा उद्देश्य क्या है या उसी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, और उसको तय करते समय किसी भी उद्देश्य को डिटरमाइन करने समय, मतलब उद्देश्यों का निर्धारण करते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, यह आवश्यक है कि उद्देश्यों के चयन को प्रभावित करने वाली जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट है जो प्रभावित कर रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव को, उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करें, तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले हम उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर कारकों का क्या करें, एनालिसिस कर लें, जिससे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आसान हो जाएगा। तो पहला ही स्टेप है हमारा क्या, डिटरमिनेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वर्क। नेक्स्ट हमारा स्टेप ही होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। जैसे मैंने की बताया कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस करना हो, तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये क्या है, इंटरनल फैक्टर है। ये क्या है, इंटरनल फैक्टर। तो इनका हमको एनालिसिस जब करना होगा, इनकी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, शक्तियां क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो अगर हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं, यानी हमारे पास अगर कंपटीटर को मात देने के लिए हमारे पास इतना इनकम पहले से है, इतना प्रॉफिट हमको पहले से हुआ है कि हम क्या कर सकें, कस्टमर को उनसे ज्यादा छूट दे सके, उनसे ज्यादा फ्री सैंपल दे सके, या उनसे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट दे सके। तो इस तरह से अगर उनके पास स्ट्रेंथ है तो वो क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते, इस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वीकनेसेस क्या, किस तरह की वीकनेसेस हैं, कि कंपटीटर्स जो कर रहे हैं उनको करने में किस तरह से वो असक्षम, तो इसका एनालिसिस करते हैं सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। हमने इंटरनल फैक्टर का एनालिसिस कर लिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर का एनालिसिस करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटी अवसर क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी रणनीति बनाया जाता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए या उस रणनीति को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से हमको अवसर मिल रहे हैं, कि हम कैसे अपने कंपटीटर से आगे जा सकते हैं। तो उन अवसरों को ध्यान में रखेंगे। अगर मार्केट में ये अवसर मिलता है कि गवर्नमेंट द्वारा या आपको किसी कस्टमर द्वारा ज्यादा डिमांड होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, यानी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जिस समय डिमांड बढ़ रही है उस समय अपॉर्चुनिटी है। कोई ऐसा समय आया, कोई ऐसा आपातकाल आया जिस समय आपके प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है, तो क्या होगा, ये आपके लिए अवसर है, उस अवसर का लाभ उठाना है। तो इसका एनालिसिस हम करेंगे, थ्रेट्स जो भी कठिनाइयां हैं कंपटीटर द्वारा, जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं, जो भी आपके लिए डेंजर खतराएं, जो भी खतरा आ रहा है, तो क्या करेंगे उसको, उसका एनालिसिस करेंगे थर्ड स्टेप में। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का एनालिसिस करने के बाद एक हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेप के बाद हम एक स्ट्रेटजी बना लेंगे कि हमको आखिर करना क्या है। हमने अपनी स्ट्रेंथ जान लिया, वीकनेस जान लिया, अपॉर्चुनिटी के बारे में एनालिसिस कर लिया, थ्रेट्स के बारे में। अब हमको क्या करना है, यानी पूरी तरह से इसका इन्वायरमेंटल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो हमारे पास कई स्ट्रेटजी हो सकते हैं, हमको अपने कंपटीटर को हराने के लिए कई स्ट्रेटजी हो सकते हैं। तो उन स्ट्रेटजी में से हम क्या करेंगे, चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, कि उन सभी में से कौन स्ट्रेटजी सबसे उपयुक्त है, उसका हम क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। तो ये रहा हमारा प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इसमें चार स्टेप है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।